शहीद शक्तिनाथ महतो स्मारक इंटर पुलिस इजवा के तरफ से जो है हम लोगों का यहाँ पर अपना भाषा संस्कृति को लेकर हमारा खोट्ठा भाषा का जो विभाग है कुड़माली खोट्ठा भाषा का उस विभाग के तरफ से डहरा चौकपुरा और गुड़ पिठा का प्रतियोगिता कार्यक्रम बच्चों के बीच में रखा गया था जो काफ़ी सफलतापूर्वक हुआ। और इस कार्यक्रम से यह संदेश दिया जा रहा है कि हमारा जो आप देखे होंगे कि साउथ में प्रतिदिन आप देखिएगा सुबह शाम उसका चौकपुरा ही होता है उसका दिखिएगा, और हमारे यहाँ साल में एक बार जो है गुहाल पूजा के समय हमारा ये चौकपुरा चलता है। बाकी जो भी शुभ काम है उसमें चौकपुरा होगा, चाहे शादी हो विवाह हो उसमें भी आप मंडवा में देख पाइएगा। और हमारे यहाँ का जो मिठास मीठा का जो ये है वो पीठा से ही होता है। अभी गुड़ पीठा यहाँ बना, लोगों ने बनाई खूब अच्छा से और उसका प्रदर्शन हुआ, सभी लोग उसका आनंद भी लिए। और इस पीठा से ये साबित होता है कि इससे बढ़िया बढ़िया मीठा जो कलाकंद आदि सब भी फेल है इस मीठा के जरिए। तो बहुत बड़ा संदेश इस बच्चों ने दिया है झारखंड के प्रति अपने भाषा संस्कृति को बचाने के लिए। हम उन तमाम बच्चों का आभार प्रकट करते हैं और ये कहना चाहते हैं कि अपना संस्कृति को बचाएं और वो प्रैक्टिकल के रूप से और पठन पाठन के माध्यम से इसको सिखाया जा रहा है। इसी कार्यक्रम में हम सभी आमंत्रित हैं। हमेशा शिक्षा के क्षेत्र में सक्रिय रहते हैं, लगातार झारखंड में जो है विनोद बाबू शक्तिनाथ महतो जी के स्लोगन को चरितार्थ करने का कार्य कर रहे हैं। आज भी कई ऐसे या शिक्षा के अभी भी हमारी जो झारखंड की संस्कृति है उसे उतना बेटर नहीं हो पाया, वो अभी भी लोग जो है अन्य भाषा के अपेक्षा ये झारखंडी भाषा कम। देखिए ये जो है निरंतर चलने वाला चीज़ है और निरंतर ये चलेगा, और कई समाज में उतार चढ़ाव समय में आता है और उसी उतार चढ़ाव के बीच में ये सब निरंतर चलता रहेगा। और नए नए चीज़ जो आ रहा उसका भी हम लोग ये बोलते हैं कि अच्छे चीज़ों को हमको अपनाना है, लेकिन अपना पुराना जो रीति रिवाज है उसको नहीं छोड़ना है। और हमारा संस्कृति भाषा यही हमारा पहचान है, ये बर्बाद नहीं हो इसके लिए हम लोग ये पहल कर रहे हैं। ये शहीद शक्तिनाथ महतो इंटर कॉलेज में एक दिवसीय जो प्रोग्राम आज आयोजन किया गया था इसमें करीब करीब चार तरह का आइटम को प्रस्तुत किया गया, जिसमें एक था चौकपुरा, एक था यहाँ का संगीत और जो नृत्य है उसका प्रदर्शन, तीसरा जो था वो था पीठा छका और चौथा जो था वो था ये तत्संबंधी परिचर्चा। तो इसमें चौकपुर में देखा किया गया बच्चियां जो नई पीढ़ी की हैं काफ़ी उत्साहित होकर के भाग ली हिस्सा ली, पीठा छाका में भी देखे वो लोग हिस्सा ली, दूसरा जो झूमर का प्रदर्शन किया गया वो लोग भी दिल से हिस्सा लिए, और जो परिचर्चा हुआ वो परिचर्चा को बहुत ही शांति और सभ्य ढंग से लोगों ने देखा। निश्चित तौर पर इसमें कोई विजेता तो घोषित किया जाता है परंपरा के अनुसार, विजेता घोषित करने का अर्थ ये नहीं है बाकी सबका प्रदर्शन किसी भी दृष्टिकोण से कमज़ोर था, मगर जितना भी प्रेजेंटेशन हुआ उसमें से जो हम लोगों को अच्छा लगा उसको हम लोगों ने प्रस्तुत किया। उम्मीद ये करते हैं आने वाला दिन में ये जो एक परंपरा थी, एक जो रीति रिवाज थी जो आज करीब करीब एक्सटिंक्शन की ओर जा रहा है, तो अगर हम लोग सभी मिल करके कोई पेड़ अगर एक्सटिंक्शन की ओर जा रहा है, जानवर अगर एक्सटिंक्शन की ओर जा रहा है विलुप्तिकरण की ओर, तो ऐसे स्थिति में यहाँ के संस्कृति उस सब का बचाने का अगर हम लोग प्रयास कर रहे हैं तो यहाँ का भाषा संस्कृति संस्कार यहाँ का जो धर्म है इसको भी बचाने का हम लोगों का एक नैतिक दायित्व निश्चित तौर पर बनता है। इसमें छुपा हुआ जो रहस्य था वो मोस्ट प्रिमिटिव कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहा है। शुरुआत में उस समय जिस समय लोग शिकार युग को छोड़ करके कृषि युग में जो पदार्पण कर रहे हैं उस समय जो संस्कार स्थापित किया गया था, क्योंकि शुरुआत है और ये उम्मीद करते हैं फिर एक समय साइकिलिंग के वजह से फिर एक बार शुरुआत होगा, इसी आशा और उम्मीद के साथ आज हम आए थे। और कुछ परिचय सर? हम डॉक्टर बी एन महतो चास कॉलेज चास के वर्तमान में प्राचार्य हैं और रुचि लेते हैं झारखंड कला संस्कृति में।